केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के प्रोडक्ट ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे थे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, और हमने फिर ये डिस्कस किया था कि एक ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होते हैं, पीरियडिक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कि ये क्या होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वेरी करती है फ्रॉम पीरियड्स, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे, और उसके बाद ग्रुप्स पे भी हम एक नजर डालेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यूं डिफाइन करते हैं कि सिंपली ये चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज जो कि किसी एटम के ऊपर आता है, और कब आता है, जब वो किसी कंपाउंड के अंदर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज जो कि कोई एटम होल्ड करता है, व्हेन एन एटम इज बॉन्डेड इन अ कंपाउंड, तो उस वक्त उसके ऊपर जो चार्ज वो कैरी करता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और वो चार्ज वो कैसे कैरी करता है, चार्ज वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा या वो लूज कर रहा होगा। बल्कि इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये दो किस्म पे हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फर्स्ट कैटेगरी हम लोग इसकी कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपको काफी वेल नोन है, और पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग डिटेल्स में इनको देख चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हो रही होती है, शेयरिंग तो कोवेलेंट के अंदर हो रही होती है। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है, और कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। अब होता ये है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कि जब आपके पास ट्रांसफर हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2, ठीक है। इसमें बेसिकली हो यूं रहा होता है कि आपका ये जो फर्स्ट कैल्शियम का एटम है ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, और क्लोरीन का हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास दो क्लोरीन के एटम्स होते हैं जो दो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम 20, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में आगे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में अगेन 8, एंड जो लास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3s में ये कैरी करेगा, ये लूज कर सकता है, ठीक है। ये जो ये 3s होगा, ये 4s होगा, 3s जो है ये नहीं होगा, ये आपका 4s ऑर्बिटल होगा। 4s के अंदर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज कर देगा, और क्लोरीन इसी तरह, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। तो इसमें 2, 8 एंड 7, ठीक है। 3p में एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो 3p में हमारे पास कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे -1 एज एन अपीयर हो रहा है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कैल्शियम की +2 और क्लोरीन की -1 हम लोगों ने इसमें कह दी, ये सिंपली ये होता है कि कोई एक एलिमेंट या कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है किसी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड्स, अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में चूंकि हमारे पास क्या हो रही होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं किसी, कोई एक सिंपल सा आपके पास मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। और मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, यूं करके CH4। और अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बन की इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और हर हाइड्रोजन एटम की इसमें क्या है, ठीक है, तो एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन ले रहा है, बिकॉज इसमें तो शेयरिंग हो रही होती है, शेयरिंग है ना,
तो इसमें लूज या गेन तो है ही नहीं। तो फिर आप इसमें ये कहते हो कि जितने कोवलेंट बॉन्ड्स कोई एक एटम बनाता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1। अब इनका साइन कैसे हम डिटरमिन करेंगे? साइन हम इनका डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इस पर पूरा हम लोग ट्रेंड्स भी इसके देख चुके हैं और इसकी काफी डिटेल्स में हम लोग जा चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सो आप 3-4 लेक्चर्स पीछे जाके इसकी डिटेल सारी देख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और ये कैसे पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। ठीक है, तो हम लोग अब चूंकि अब हमने ये देखना है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं किस एलिमेंट की, सी कार्बन और हाइड्रोजन की। अब कार्बन का हमारे पास क्या, यहाँ पे कार्बन कहाँ पे है, ये, और हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये, और ये नीचे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज लिखी है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की, यानी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा। सो इनफैक्ट अब जो कार्बन का यहाँ पे हम चार्ज लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, वो हम -4 लिखेंगे, और ये जो हम हाइड्रोजन का लिखेंगे ये हम +1 लिखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव साइन दे देंगे। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं टिन क्लोराइड की या स्टेनम क्लोराइड, स्टेनम और स्टेनिक क्लोराइड। यहां पे स्टेनम आपके पास टिन का लैटिन नेम है, तो ये SnCl4 इसका फॉर्मूला है और ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें यूं डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एक स्टेनम एटम होगा जिसके साइड पे 4 क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड हैं। इसमें भी इसी तरह हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वैसे तो हर स्टेनम एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, और हर क्लोरीन एटम हमारे पास एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी तो 4, इसकी वैलेंसी कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और इसकी 1 होगी। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज स्टेनम की और क्लोरीन की क्या है रिस्पेक्टिवली। अगर आप यहां पे गौर करो स्टेनम, वेयर इज स्टेनम, हाँ पहले हम क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन है हमारे पास यहां पे 3.16, और दूसरा हम लोग अब क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे स्टेनम, जो कि यहाँ पे है 1.96। सो चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस दफा आएगा। ठीक है, सो जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा चार्ज तो हम डिफाइन करेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिस्पेक्ट से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और स्टेनम की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, सो इसका चार्ज +4 और उसमें -4 और +1 था। ठीक है, सो ये तो डिस्टिंक्शन थी ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो किसी एटम का, किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है उसके अंदर उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन वाली लाइन के अंदर 1A के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम वाली लाइन इस लाइन के अंदर 2A के अंदर 2, इसके अंदर 3, 4, तो 1, 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली इनके अंदर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जब किसी कंपाउंड के अंदर अपीयर होते हैं तो अमूमन क्या होता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। और चूंकि ये आपके पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं ये ज्यादा, ये जो इस साइड का है पार्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो आपके राइट साइड के एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ज्यादा। ठीक है, अब आपके राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, आपके जो लेफ्ट साइड वाले हैं फॉर एग्जांपल 1A, 2A, 3A, 4A ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज लास्ट 3-4 लाइंस। तो अब होता ये है कि एक हाइड्रोजन वाली जो 1A पूरी लाइन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कैरी करते हैं, जो नेक्स्ट है 2A ये +2, जो नेक्स्ट लाइन है +3 और +4
फोर, ये बहुत ही सिंपल तरीका है मेमोराइज करने का ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है। तो आप इस पूरे ग्रुप के अंदर अगर हम वेरिएशन अब काउंट करें, इस पूरे ग्रुप के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन ही रहेगी, ठीक है। आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वन ए की हमेशा प्लस वन होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है वो विद इन अ ग्रुप चेंज नहीं करता। और इसी तरह ये जो ग्रुप है इसकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू ही रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। बट जब आप एक पीरियड में मूव करते हो इस डायरेक्शन में तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करती हैं। आपकी फोर जो कार्बन है, कार्बन की जो आपकी अभी प्रीवियसली आपने सीएच फोर के अंदर देखा था कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव फोर थी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो फोर्थ है ना इसकी दो हो सकती है, या प्लस फोर या माइनस फोर। इसके बाद जो आगे तीन आपके पास ग्रुप्स है, ग्रुप कौन सा है ये 5A, 6A एंड 7A एंड 8A, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम यूं डिफाइन करते हैं कि इनकी दो किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एक तो ये कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 5, 6, 7, इसमें आपके पास प्लस 5, प्लस 6 एंड प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कैरी करेंगे। इसके अलावा इनकी एक एक्स्ट्रा भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज आपका जो 5A वाली लाइन है ना, इनके p ऑर्बिटल के अंदर बेसिकली तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स इनको एक्स्ट्रा मिल जाएं, यानी ये तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लें तो ये -3 इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन के ऊपर आपको वैसे भी पता है कि -2 चार्ज ऑक्सीजन कैरी करता है। इस पूरी लाइन के अंदर आप दो इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह से कह लो गुंजाइश होती है ताकि उनका शेल लास्ट कंप्लीट हो जाए। और फ्लोरीन वाली पूरी लाइन इनके अंदर -1 आपके पास चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप कहते हो आप को मैं डिटेल में इसके एटम का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता देता हूं। आप ग्रुप 3A का लेट से कोई एटम लो, 3A के आपके अंदर कौन कौन से आते हैं, आपके अंदर 3 में आता है बोरॉन, आपके पास 3A में आता है बोरॉन के नीचे नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी 3A के अंदर आपके पास नाइट्रोजन नहीं आता, नाइट्रोजन किस में आता है 5A के अंदर, यस। आप यहां से देख लो, हम यहां से देख लेते हैं 3A की हम लोग बात करें, 3 में आपके पास आता है बोरॉन, और दूसरा आपके पास आता है एल्यूमिनियम, गैलियम। आप लेट से बात करते हैं हम लोग बोरॉन की और एल्यूमिनियम की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, एल्यूमिनियम का 13। सो लेट से एल्यूमिनियम का मैं एटम ड्रॉ करता हूं, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल जिसमें होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में आपके पास जो वैलेंस शेल होगा, ये मैं वैलेंस शेल ड्रॉ कर रहा हूं सिंपली, इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड होगा एल्यूमिनियम किसी भी और एटम के साथ, ठीक है, यहां पे एक एटम ए है, जब ये इसके साथ इनका बॉन्ड बनेगा आयनिक हो या कोवेलेंट हो, तो बेसिकली ये एल्यूमिनियम एटम जो है ये या तो इन तीन इलेक्ट्रॉन्स को टोटली इसको ट्रांसफर कर देगा, या ये करेगा कि ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अब होगा ये कि अगर तो इसको ट्रांसफर कर देता है तो इसके ऊपर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस पूरी लाइन की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3A की, ठीक है। अब हम एक एटम लेते हैं लेट्स से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसके फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में इसके आएंगे वैलेंस शेल जो आता है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन है 2, 4 एंड 6। अब ऑक्सीजन जब कोई बॉन्ड बनाएगा किसी एक एटम के साथ, तो ऑक्सीजन जो है वो या तो इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देगा, या वो ये करेगा कि वो दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की जो उसके अंदर आप कह लो कि कैपेसिटी है होल्ड करने की, मजीद शेल कंप्लीट करने के लिए वो दो इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। सो बेसिकली ये या तो -2 चार्ज कैरी करेगा या +6 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन ही वाली लाइन में अगर आप नीचे आते हो आपके पास आता है सल्फर। अब आपको पता है कि सल्फर का एक कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, और सल्फेट रेडिकल के ऊपर आपके चार्ज होता है -2, ठीक है।
ऑक्सीजन के ऊपर आपका चार्ज वेल नोन है, ऑक्सीजन क्या चार्ज होल्ड करता है, नेगेटिव 2, और 4 ऑक्सीजन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव 8, ठीक है। तो यहां पे आपके पास नेगेटिव ए चार्ज हो गया टोटल ऑक्सीजन का, और सल्फर के चार्ज को आप कर लो एक्स, जो कि आपने डिटरमिन करना है। और आपके पास जो नेट चार्ज बन रहा है, नेट चार्ज जो बन रहा है वो -2 है, ठीक है, -2। सो बेसिकली आप कहोगे कि x -8 इज इक्वल टू -2, एंड x यहां से आप डिटरमिन कर सकते हो 8 -2 विच इज 6+6। तो सल्फर यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रख रहा है, और 4 ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो टोटली बैलेंस हो जाएंगे सल्फर से, यानी S+6 एंड O-6 टोटली बैलेंस हो जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एटम नेट चार्ज सल्फेट रेडिकल को -2 देगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल बताने का मकसद कि सल्फर का यहां पे चार्ज +6 हो रहा है, ठीक है। आज के टॉपिक को हम एंड करेंगे, बल्कि एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताया ना, नोबल गैसेस जो होती हैं आपके पास, नोबल गैसेस ये जो ग्रुप 8A होता है आपके पास, इनके आपके जो लास्ट शेल्स होते हैं वो चूंकि कंप्लीट होते हैं, तो ना तो ये देने की टेंडेंसी रखते हैं ना एक्सेप्ट करने की, तो इनके हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी आपके पास एक से ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास पीरियोडिक टेबल का ये जो मेटल का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपके पास और ये वाले, ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। इनकी जो होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो एक से ज्यादा होती हैं, और वो क्या होती हैं, ये एक टेबल से मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो कौन से पीरियड की, ये कौन सा पीरियड आपके पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये आपके पास है फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्थ पीरियड का ये आपके पास चल रहा है ट्रेंड। फोर्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24 एक एक वेरी कर रहा है। अगर आप नोट करो यहां पे ये इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s तो इसका फिल्ड है, जो 4s के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है ना, 4s जो फिल्ड होता है वो तो आपके पास कैल्शियम पे हो जाता है, कैल्शियम इससे स्कैंडियम से पिछला एलिमेंट होता है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, और उसमें 4s तक सारे फिल्ड होते हैं। जब 4s के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, अब वो 3d के अंदर आएगा, बिकॉज आप ऑफ पॉ प्रिंसिपल में देख चुके हो कि 4s के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है 3d, ठीक है। तो 4s के बाद 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब होगा ये कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +3 होगी, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी रखता है। आप अगर आ जाओ लेट से वनेडियम के ऊपर, यहां पे +3 के साथ +2 भी एक मेंशन कर देते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे के भी पार्शियली स्टेबल हो जाएगा और कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी को, ठीक है। इसके बाद आपके पास हो गया टाइटेनियम, टाइटेनियम इसी तरह या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, या 3 दे देगा, या 4 दे देगा, तो +2, +3 एंड +4। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाला है आपके पास वेनेडियम, ये या तो इन दो को देके पार्शियली स्टेबल हो जाएगा, या फिर इन दो और इस एक को देके, या 4 को या 5 को, तो +2, +3, +4, +5। अब आप देख सकते हो एक चीज इसमें भी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी स्टेज पे, कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेक्स्ट सब ऑर्बिटल के अंदर ही क्यों जा रहे हैं, यहीं पे क्यों नहीं आ रहे। इसकी रीजन होती है हंड्स रूल, जिसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा। इसकी जो डिटेल्स हैं आपका पूरा ट्रांजिशन मेटल्स का एक पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो एक से ज्यादा भी होती हैं, ठीक है, और जितना आप मिड पे आते जाते हो प्रोडक्ट टेबल पे, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे मैंगनीज की और आपके पास फिर आयरन की, इनकी सबसे ज्यादा होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे कम मेंशन्ड है, इससे भी ज्यादा होती हैं आपके पास, ठीक है। सो आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये ना सिर्फ आपके ग्रुप नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आप किसी एक ऐसे एलिमेंट की बात करो जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आपके पास कॉपर की
वन आप कहते हैं, कॉपर वन से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर वन भी होता है और कॉपर टू भी होता है आपके पास. कॉपर वन जो होता है इसको हम कहते हैं क्यूप्रस, और कॉपर टू आपके पास होता है क्यूपरिक. ठीक है, तो कॉपर वन जो है, अगर हम अब इस टेबल पे जाके देखें, कॉपर, कॉपर का इस तरह से फिल हुआ हुआ होता है शेल. ठीक है, कॉपर या तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को देके भी स्टेबल हो सकता है, या वहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और यहां पे आपके पास एक अनस्टेबल बन जाता है, तो वो इन दो को देके भी स्टेबल हो सकता है. तो प्लस टू एंड प्लस वन, ये दो कॉपर की वेरिएबल वैलेंसीज हो जाएंगी. ठीक है, और कॉपर अगर आप देखो, कॉपर कहां पे लाई करता है, कॉपर आपके पास यहां पे लाई करता है, और इसका नाम वन बी है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके जो ग्रुप नंबर्स होते हैं आप उनसे भी इनको एसोसिएट कर सकते हो ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को. सो दैट्स इट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और साथ हाइड्रेशन एनर्जी, और इनके हम प्रोडक्ट ट्रेंड्स देखेंगे. ठीक है.